नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार जूनियर टीचर भर्ती से संबंधित सीरीज चल रही है और आप लोग जानते हैं कि इसमें जूनियर में कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड को मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मस्त रहेगा। तो आज का जो वीडियो है यह आपका सीरीज संख्या 5 है मित्रों, सीरीज संख्या 5 है, ठीक है, मतलब लेक्चर 5 है आज। और आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार जूनियर टीचर भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा, बिहार जूनियर टीचर भर्ती कला वर्ग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा, ठीक है। और आप लोग यह पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यह देखिए, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है, और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी बिहार जूनियर टीचर भर्ती की पूरी तैयारी करनी है वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये में आपको बिहार जूनियर टीचर भर्ती की पूरी तैयारी कराई जाएगी। कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी में कंप्लीट कराऊंगा, इसका पूरा नोट्स दूंगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पूरी 100% तैयारी कराऊंगा, इसका पूरा नोट्स दूंगा, लेक्चर्स वीडियो दूंगा, लेक्चर्स वीडियो भी नोट्स दूंगा, टेलीग्राम पर सारा टेस्ट लूंगा और आपकी बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन रामबाण तैयारी कराऊंगा आप लोग की, ठीक है, बेहतरीन परिणाम आप लोग को देखने को मिलेगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 599 रुपये का कोर्स है, आइए शुरुआत करते हैं। और यह जो भी नोट्स है ये सब आप लोगों के लिए बनाया गया है और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जबरदस्त रामबाण नोट्स है। आप यह जान लीजिए कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड को मैं कंप्लीट कराऊंगा, और अगर आप 100% फॉलो करते हैं हमारे नोट्स को, हमारी सीरीज को, हमारे लेक्चर्स को, तो यह भी जान लीजिए 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो आप तुरंत ज्वाइन कर लें, आइए शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। तो इस चैप्टर में आपको प्राचीन गणराज्यों के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। राज्य राजा और प्राचीन गणराज्य, यह बहुत ही बढ़िया मौका है बिहार में जो जूनियर की टीचर भर्ती आई हुई है, आने वाली है, लगभग हो सकता है 16 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन उम्मीद है, अभी तो 35,000 की बात हो रही है, लेकिन हो सकता है कि यह पद और बढ़े और कम से कम 50,000 भी यह पद पर नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन 35,000 तो मिनिमम मानिए ही मानिए। और इस 35,000 में से कला वर्ग में कम से कम 20,000 आपको पद देखने मिलेंगे, कम से कम 20,000, 15 से 20,000, ठीक है। तो एक बहुत ही बढ़िया अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, जो लोग बिहार टेट क्वालिफाई हैं, क्वालिफाई होंगे जूनियर का, वह भी लोग आवेदन कर सकते हैं, और सीटेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, सीटेट जूनियर। आइए शुरुआत करते हैं। 3,000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए थे, 3,000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए थे। जैसा कि हमने बताया कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा होते थे वह गणतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप होते थे, वह स्वेच्छाचारी नहीं थे, वह निरंकुश नहीं थे, वह राजधानियों में नहीं रहते थे, वह महल बना के नहीं रहते थे, वह मनमाना टैक्स नहीं वसूल कर सकते थे, वह गणतांत्रिक व्यवस्था के तहत राजा हुआ करते थे। लेकिन 3,000 साल पहले, मतलब 1000 BC में कौन सा समय चल रहा था 1000 BC में, तो यहाँ उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो गया था, प्रारंभ हो गया था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, राजा जो क्या हुआ, स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो गया। तो वही बात है, कह रहा है कि 3,000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए थे, ठीक है, और अब राजा क्या है, राजा वंशानुगत होने लगा, स्वेच्छाचारी होने लगा, और बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद वह राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने लगा, ठीक है। देखिए, जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर हैं, वह लोग कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सिर्फ 599 रुपये में आपका कंप्लीट कोर्स आप लोगों को कराया जाएगा और बेहतरीन परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। 3,000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए थे, अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे बहुत सारे राजा, अश्वमेध यज्ञ करके प्रतिष्ठित हो गए थे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसू यज्ञ, ये जो जितने बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, ये उत्तर वैदिक काल में और धड़ल्ले के साथ चलने लगे और अच्छे तरीके से इसका पालन होने लगा, ठीक है। शासक, अब देखिए शासक कौन होते थे, 3,000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए, अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में लोग प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर क्या हो गए, जनपद के राजा होने लगे, और यही जनपद आगे चलकर क्या बन गया, महाजनपद बन गया, जब बुद्ध और महावीर का काल था। तो ऋग्वैदिक काल में जन होता था और वही जनपद हो गया उत्तर वैदिक काल में,
और जब बुद्ध और महावीर का काल आया, मतलब 600 BC का समय आया, तो यही जनपद महाजनपद बन गया। ठीक है, तो जनपदों के रूप में माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन की बसने की जगह। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, हमें अश्वमेध यज्ञ को समझना होगा, जो ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में बहुत ही विशेष यज्ञ होता था, जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट इस यज्ञ को करते थे। आप लोग रामायण और महाभारत में भी अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख आप लोगों ने देखा होगा। तो इस यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़ा राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के छोड़ा जाता था। ठीक है, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो कोई राजा इसे रोकता नहीं था। इस घोड़े को अगर अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा कोई स्वतंत्र घोड़ा छोड़ता था तो वह घोड़ा किसी के भी राज्य में जा सकता था, कोई राजा उसे नहीं रोकता था। और अगर कोई राजा उसी घोड़े को रोकता है तो इसका मतलब ये होता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होगा उस राजा को। अगर उसे जाने दिया गया तो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। यज्ञ पुरोहित द्वारा संपन्न होता था, और यह अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा संपन्न होता था? पुरोहितों द्वारा संपन्न होता था। विभिन्न राजा को इसमें आमंत्रित किया जाता था, बहुत सारे राजा इसमें क्या होते थे? आमंत्रित होते थे। जो अधीनता स्वीकार करते थे वो सभी राजा इसमें आमंत्रित हुआ करते थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ, अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल में तो सिर्फ ऋग्वेद का रचना हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे, उत्तर वैदिक काल में देखिए बाकी के जो तीन वेद थे वो उत्तर वैदिक काल में रचे गए थे, रचना हुई थी। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी, इन सभी की रचना 1000 BC के बाद हुई है। ठीक है, तो ऋग्वेद के बाद रचे गए जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद आदि थे वह उत्तरवैदिक ग्रंथ हैं। वर्ण, पुरोहितों ने 4 वर्णों में लोगों को विभाजित किया था। 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते थे। तो देखिए आइए हम इन 4 वर्णों को अच्छे तरीके से देख लें, और इन 4 वर्णों का अलग अलग कर्म था। जैसे ब्राह्मण जो वर्ण था, वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, इसका कार्य था ब्राह्मण का। क्षत्रिय का कार्य क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, क्षत्रिय का कार्य था। वैश्य का कार्य क्या था? वैश्य जो थे वो कृषक थे, पशुपालक और व्यापारी हुआ करते थे। शूद्र का कार्य क्या था? 3 वर्णों की सेवा करना, शूद्र का कार्य हुआ करता था। ठीक है, जनपद, अब हमें जनपद को समझना होगा। जनपद क्या है? तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। ठीक है, महायज्ञों को करने वाले राजा जो होते थे, अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इनमें लोग झोपड़ियों में रहते थे। ठीक है, मवेशी और जानवरों को यह पालते थे। गेहूं, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों आदि उगाते थे। ठीक है, तो जन के जो लोग होते थे यह कार्य किया करते थे। कुछ जनपदों के देखेंगे, जैसे दिल्ली जनपद जो था, यह पुराना किला जो है, आज का जो पुराना किला है वह दिल्ली जैसे यह जनपद था। उत्तर प्रदेश में जो जनपद है हस्तिनापुर था। एटा में अतरंजी खोड़ा, यह आपके कुछ जनपद हुआ करते थे। ठीक है, महाजनपद हम लोग देखेंगे, जैसा कि हमने कहा कि जनपद ही आगे चलकर महाजनपद के रूप में बदल गया। तो 2500 साल पहले, मतलब बुद्ध और महावीर के काल में महाजनपद काल आया, तो 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। कुछ ऐसे जनपद जो थे वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, और इन्हें ही महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर की गई थी, जो समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करती थी। ठीक है, कर व्यवस्था के बारे में देखेंगे, तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। अब महाजनपद का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि मगध महाजनपद था। ठीक है, मगध महाजनपद था, काशी था। ठीक है, ये सब क्या थे? महाजनपद थे। अशमक जनपद था, अशमक महाजनपद था। ठीक है, तो देखिए महाजनपदों के राजा जो थे विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए अब नियमित रूप से उन्हें क्या हुआ, कर वसूलने लगे वह लोग। अधिकांश लोग कृषक ही थे, प्रायः फसल का उपज का 1/6 हिस्सा, मतलब कितना कर लिया जाता था महाजनपदों के राजा के द्वारा, 1/6 उपज का 1/6। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो कारीगर थे, बढ़ई थे, लुहार थे, शिल्पकार थे, कुम्हार थे, जो भी राजगीर हुआ करते थे या क्या थे, कारीगर थे, इनके ऊपर भी कर लगाए जाते थे। श्रमिकों को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना होता था।
तो जो श्रमिक थे वह राजा के लिए महीने में एक दिन काम भी करते थे। पशुपालक, जो पशुपालक होते थे वह जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देते थे। जैसे मान लीजिए अगर कोई गाय पालता है, भैंस पालता है, तो उसके लिए क्या करता था, उसका दूध उत्पाद जो होता था कर के रूप में देता था। कोई भेड़ पालता है तो ऊन देता था, ठीक है। तो जानवर जो होते जानवरों और उनके उत्पाद के रूप में कर देते थे पशुपालक, ठीक है। व्यापारी जो होते थे वह सामान खरीदने पर और बेचने पर भी कर देते थे। तो कर व्यवस्था ऐसी चलती थी। अब आखेटक जो होते थे, जो शिकारी होते थे, वह जंगलों से जो भी वस्तुएं प्राप्त करते थे उसमें से कर देते थे। जैसे कंदमूल जो प्राप्त करते थे उससे भी कर देते थे। कोई जंगली जानवरों का शिकार करते थे तो उससे जो कीमती वस्तुएं बन सकती थी उसका कर देते थे, ठीक है। कृषि में परिवर्तन, इस समयावधि में कृषि में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था, ठीक है। मतलब महाजनपद काल में कृषि में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, मतलब जनपद काल या महाजनपद काल में कृषि में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। देखिए पहले क्या होता था, जो हल के फाल होते थे वह लकड़ी के बनते थे, लेकिन जब लोहे की खोज हो गई थी 1000 BC में, तो लोहे के खोज के बाद हल के फाल क्या बने होने लगे, लोहे के बनने लगे। जिससे अब लोहे के जब फाल बनने लगे हल के, तो कठोर जमीन को भी आसानी से जोता जा सकता था। इससे क्या हुआ, कृषि की उन्नति हुई, कृषि का विकास हुआ कि लोहे के फाल बनने लगे, और इससे क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ गई। आगे की भी कृषि में कुछ परिवर्तन हुआ, लोगों ने धान को पौधे का रोपण शुरू किया। आप जानते हैं धान की खेती का, आप लोगों ने देखा होगा कि जो धान की खेती होती है, पहले धान को वैसे छिट छिट दिया जाता है, उसके बाद जब धान थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक या दो बित्ता का हो जाता है, तो फिर उसको उखाड़ लिया जाता है और फिर उसे अलग से दूर दूर बोया जाता है। ये क्या है, ये धान की रोपाई कहते हैं। तो धान का रोपण शुरू हुआ था, पहले लोग ऐसे ही छीट देते थे उसके बाद काट देते थे, इस तरह से धान की खेती होती थी। लेकिन धान के पौधों को अलग से रोपण जब शुरू हुआ था, ये महाजनपद काल में शुरू हुआ था 600 BC में, ठीक है। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, जिससे अब पहले की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी, ठीक है। मगध, अब मगध महाजनपद को देखेंगे तो लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध से ये जो मगध महाजनपद है, यहाँ पर गंगा नदी भी बहती थी, इधर सोन नदी बहती थी, चंपा नदी बहती थी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी नदियां बहती थी। तो गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से घिरा था, मतलब तीन ओर से नदियां बहती थी, गंगा, सोन और चंपा, और एक हिस्सा जो था जंगलों से घिरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के रूप में भी काम लगाया जाता था। इसीलिए मगध शक्तिशाली हुआ कि तीन ओर से वह नदी से घिरा था, एक ओर से जंगल से घिरा था, और जंगल जो था वह समृद्ध था, वहाँ पर हाथियाँ मिलती थी, और उन हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित करके सेना के रूप में काम में लाया जाता था, ठीक है। मगध में बिम्बिसार का शासन था, बिम्बिसार मगध का शक्तिशाली शासक था। अजात शत्रु जो था वह मगध की राजधानी राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। स्तूप का निर्माण अजात शत्रु करवाया था, यह क्या था, बिम्बिसार का पुत्र था, ठीक है। महापद्मानंद, ये सभी मगध महाजनपद के कुछ महत्वपूर्ण राजा थे। महापद्मानंद, तो महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक था, जिन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो देखिए मगध महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह क्या थी, राजगीर। यही राजगीर बाद में राजगीर बना, राजगृह, इसे राजगीर भी बोल सकते हैं, राजगृह भी बोल सकते हैं। और बाद में बहुत समय बाद पाटलिपुत्र मगध महाजनपद की राजधानी बनी। तो बिहार में जो राजगीर था वो कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा, और बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। पाटलिपुत्र का ही आधुनिक नाम क्या है, पटना है। वज्जी, अब यह वज्जी महाजनपद के बारे में देखेंगे। जो वज्जी महाजनपद है इसकी राजधानी जो थी वैशाली थी। यह मगध के समीप महाजनपद था। इसकी शासन व्यवस्था जो थी गणतंत्रात्मक थी, और कई गढ़ और कई संघ मिलकर यहाँ पर शासक शासन करते थे। मतलब कई शासकों का यह महाजनपद था जिसमें कई शासक मिलकर शासन करते थे, और गणतांत्रिक व्यवस्था को यह मानते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, वे सभी 2300 साल पहले, ठीक है। तो कभी लोग यह शासन करते थे, यह है मगध वज्जी महाजनपद की बात है, ठीक है।
अब अलग से यह आप लोग देख लीजिए, जैसे कि हमने कहा कि वज्जी महाजनपद में क्या था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, कई सारे शासक कई सारे संघ मिलकर शासन किया करते थे। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का एक वर्णन मकदूनिया में मिलता है कि 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। इस बात भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की विशाल सेना है। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, ऊपर भी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। सिर्फ 599 रुपये में आपको जूनियर टीचर भर्ती कलावर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। जिनको भी इच्छा है वो लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट नोट्स टेस्ट सीरीज मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद आप लोग को, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।